खबर है हिमाचल प्रदेश की, जहां पोंग बांध विस्थापितों का एक प्रतिनिधि मंडल आज पूर्व सांसद राजन सुशांत की अगुवाई में मांगों को लेकर सीएम जयराम ठाकुर से मिलने विधानसभा परिसर तपोवन पहुंचे। इस दौरान पोंग बांध विस्थापित नारेबाजी करते हुए विधानसभा पहुंचे। गेट पर सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पूर्व मंत्री राजन सुशांत की पुलिस कर्मियों के साथ हल्की बहसबाजी भी हो गई। इसके बाद राजन सुशांत की अगुवाई में पोंग बांध विस्थापित सीएम जयराम ठाकुर से मिले और अपनी बात रखी। मांगों को लेकर ज्ञापन सीएम जयराम ठाकुर को सौंपा। वहीं पोंग बांध विस्थापितों ने पोंग में खेती ना करने के आदेशों में हस्तक्षेप करने की मांग की। दरअसल पूर्व सांसद राजन सुशांत ने सीएम जयराम ठाकुर को बताया कि पोंग बांध विस्थापित 35 साल से खेती कर रहे हैं, अब वाइल्ड लाइफ विभाग ने नोटिस दे दिया है और खेती ना करने के आदेश जारी किए हैं। सुशांत ने कहा कि राजनीतिक पहुंच रखने वाली चार लोग अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं और खेती ना करने देने की बात कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इनके नाम जल्द से जल्द उजागर करेंगे। पोंग बांध विस्थापितों ने कहा कि अगर मांगों पर गौर नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन होगा। इस अवसर पर सीएम जयराम ठाकुर ने विस्थापितों को आश्वासन दिया कि पोंग बांध में खेती करने की मंजूरी देने की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। टकडाउन कर दिया है, उन्होंने मना कर दिया कि ये इस पे लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन वर्तमान में जो वहां के जो मुख्यमंत्री अभी भी मुझसे जो बात कर रहे थे कि 6A को अगर आप हाँ कह देते तो मैं तुरंत बैठक बुला करके जो है आपके लोगों के लिए जो है तो मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन 6A में अगर हम जाते हैं तो उसमें वो प्रावधान से हम बिल्कुल ही बहुत बड़ा नुकसान होगा उसमें जो प्रोविजन है, तो इसलिए वो हमारे लिए हमने कहा हमको तो बिल्कुल मान्य नहीं है। हमको जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है सुप्रीम कोर्ट के इसके मुताबिक जो है हमको जो हमारा जो उसका अधिकार मिलना चाहिए। तो ये सारी बातों को लेकर के इस तरह की बातें हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर बिल्कुल ऐसी परिस्थिति बनती है कि बिल्कुल ही नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट के उसको लागू करने के लिए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर एक बार दोबारा जा करके अपना पक्ष रखेंगे कानूनी तौर पर, और उसमें कि भी आपने निर्णय दिया था उस निर्णय का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा, एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि सरकार राजस्थान की सरकार वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उन सारी चीज़ों को लेकर के जो बात करने को अलग से पक्ष है, लेकिन फिलहाल जो आपने जो एक बात जो कही है जो प्रमुख रूप से बात कही है कि जो जमीन वहाँ पानी के भाव इससे जो स्तर से नीचे चले जाती है, जो पानी नीचे जाता है तो उसमें कल्टिवेशन की उसमें कोई गुंजाइश निकल आए जो जैसे आप पहले कहते थे, उस संभावना को तलाशेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। बाकी आपकी भावनाओं से मैं अच्छी तरह से अवगत हैं, आप लोगों ने सारी बातें इसमें जिक्र की है मोटे तौर पर, उन बातों में जहाँ जो भी रास्ता निकल पाएगा वो रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नोटिफिकेशन 2013 में, अब 35 साल तो इनको याद नहीं आया, 35 साल से लोग खेती करते हैं, अब 36वें साल में अचानक क्या इनको सपना आ गया है? डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जेल में भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मेरे पास लोग आए थे तो हमने सरकार के ध्यान में ये बात लाए। 11 नवंबर, 18 नवंबर, 25 नवंबर, 3 दिसंबर को धरना दिया, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी भेजा। कल भी मैं नगरोटा सूर्या में जाके आया हूँ, वहाँ से भी भेजा, कोई असर नहीं हुआ। ब्यूरोक्रेसी मुख्यमंत्री जी को सही सूचना नहीं दे रही है। तो मुख्यमंत्री जी भले आदमी हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, तो आज मैं खुद आया हूँ उनको पूरे तथ्य समझाने के लिए। कल बंदे रोक दिए आ जाते हैं मालिक BBMB कैसे होगी, और BBMB मालिक नहीं होगी तो वाइल्ड लाइफ मालिक कैसे हो गया? जब वाइल्ड लाइफ मालिक ही नहीं है तो अपनी चौधर क्यों कर रहा है? जमीन हमारी गई है, हमें समझौते की शर्तें मंजूर हुई नहीं, तो इसलिए आज हम इस समझौते को तोड़ करके मुख्यमंत्री जी से मैं प्रार्थना करूंगा इसी विधानसभा के सत्र में आप यहाँ बिल पास कर दीजिए कि पुराना समझौता तोड़ दिया है, कोई नई बात नहीं होगी। पंजाब राज्य ने भी तोड़ दिया था हरियाणा के साथ, तो पोंगडाम वासियों के हित में ये समझौता तोड़ दिया जाए, फिर हम निपटेंगे राजस्थान सरकार से कैसे निपटना है। लेकिन मैं भूखे नहीं मरने दूंगा पोंगडाम वासी भाइयों को। अगर समझौता नहीं टूटता है तो आंदोलन बढ़ेगा। एक गवर्नमेंट ने बोर्ड बनाने की बात करी है पोंग विस्थापित के लिए, भाई बोर्ड बनाए, बहुत पुरानी बातें, हम स्वागत करते हैं, पर कागजों में ना बनाए ना। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।